हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग से बीडेड क्राफ्ट। सबसे पहले नायलॉन थ्रेड में लॉबस्टर हुक इंसर्ट करना है और दो दो ब्लैक बीड्स को दो दो साइड पर इंसर्ट करके एक व्हाइट बीड से क्रिस क्रॉस कर देना है। फिर दोनों साइड पर एक एक व्हाइट बीड इंसर्ट करके एक ब्लैक बीड से क्रिस क्रॉस कर देना है। उसके बाद फिर से हमें दो दो ब्लैक बीड इंसर्ट करनी है, एक व्हाइट बीड से क्रिस क्रॉस करना है। इसी तरह से हमें अपना बीडिंग प्रोसेस तब तक चालू रखना है जब तक कि हमें अपने ब्रेसलेट की डिजायर्ड लेंथ नहीं मिल जाती। लास्ट में फोर बीड इंसर्ट करनी है ब्लैक कलर की और लास्ट ब्लैक बीड से दोनों तरफ से थ्रेड को इंसर्ट करना है और अच्छे से पुल कर लेना है टाइटली और तीन चार नॉट्स टाई कर देनी है। और रेडी हो गया हमारा ब्लैक एंड व्हाइट बीडेड फ्रेंडशिप ब्रेसलेट। और जंप रिंग अटैच करके अपना डिजाइन कम्प्लीट कर लेना है प्लायर से सिक्योर करके। रेडी कर लिया हमने फ्रेंडशिप ब्रेसलेट, क्योंकि फ्रेंडशिप बैंड का जमाना हुआ पुराना। अब आप बनाइए मेरी तरह फ्रेंडशिप ब्रेसलेट्स, वो भी बीड्स वाले, जो कि आपकी फ्रेंड्स को बहुत पसंद आने वाले हैं। और वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे क्राफ्ट्स दिखाने बाकी हैं। तो कैसा लगा ये फ्रेंडशिप ब्रेसलेट आइडिया, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कई सारे फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें ब्रेसलेट पहनना पसंद नहीं है, तो उनके लिए ये अमेजिंग सा चूड़ी आइडिया। एक एक करके हमें फोर बैंगल्स को एक साथ स्टिक करना है। 8025 शेड नंबर का पिंक कलर का थ्रेड यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, कॉटन एम्ब्रॉयडरी थ्रेड। नॉट टाई करेंगे और फैब्रिक ग्लू अप्लाई करके चूड़ियों पर इसे अच्छे से रैप कर लेंगे। वैसे ये प्रोसेस तो आपने कई बार देखा है, क्योंकि मैंने ढेर सारी चूड़ियाँ बनाकर आपको दिखाई हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। तो चूड़ियों पर धागा कैसे लपेटते हैं ये तो आपको अच्छे से पता है। बस इसी तरह से नीटली हमें धागे को रैप करते जाना है। एंड में एक बार फिर से ग्लू लगाएंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से सिक्योर हो जाए। और फिर इसके ऊपर से रैप करते हुए एक बार फिर से ग्लू अप्लाई करेंगे और एक्सेस थ्रेड को कट कर लेंगे। दोनों ही बैंगल्स को हमें ऐसे रेडी कर लेना है और उसके बाद हम उठा लेंगे ढेर सारी बीड्स। यहाँ पर मैं पिंक ऑन पिंक कॉम्बिनेशन ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि बीडेड क्राफ्ट बनानी है तो इसमें भी बीड्स की ज़रूरत है। नायलॉन थ्रेड में दोनों साइड पर एक एक पिंक बीड इंसर्ट करके एक पिंक बीड से क्रिस क्रॉस कर देंगे। इसे हमें दोनों साइड पर एक एक बीड इंसर्ट करनी है और एक बीड से क्रिस क्रॉस कर देनी है। हमें अपनी चूड़ी के डायमीटर के हिसाब से बनानी है। लास्ट में हमें इसे नॉट टाई करके सिक्योर नहीं करना है। पहले हम इसे अपने बैंगल के साइज़ के अकॉर्डिंग मेजर कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसे टाइटली सिक्योर कर देंगे। बचे हुए नायलॉन थ्रेड को एक लास्ट पिंक बीड में इस तरह से डालेंगे दोनों तरफ से और पुल कर लेंगे, जिससे ये टाइटली सिक्योर हो जाएगा और तीन चार नॉट्स टाई कर लेंगे। तो रेडी हो गई हमारी बहुत ही सुंदर सी बीडेड चेन। अब इसे हमें अपनी चूड़ी पर चढ़ाना है, जैसे कि साइकिल पर चेन चढ़ाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो फेवी बॉन्ड या फिर B7000 ग्लू का यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से इसे अपनी चूड़ी को पहना देंगे और रेडी हो गई हमारी बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी बीडेड चूड़ियाँ। इसमें आप ढेर सारे कलर कॉम्बिनेशन ट्राई करके बहुत सारे कंगनों का स्टैक बना सकते हैं, या फिर ऐसे ही सेम मोनोटोन कंगनों को भी यूज़ कर सकते हैं और इसे ढेर सारी चूड़ियों के साथ कंट्रास्ट करके पहन सकते हैं। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्हें ब्रेसलेट की जगह चूड़ियाँ पहनने का मन करता है, तो ये चूड़ी का वीडियो खास तौर पर उनके लिए है। अब हम बनाने वाले हैं एक और ब्रेसलेट, जिसके लिए हमें लॉबस्टर हुक में नायलॉन थ्रेड इंसर्ट करना है। 2 स्ट्रैंड का नायलॉन थ्रेड लिया है हाफ मीटर के अराउंड और फिर इसे टेप से सिक्योर कर लेंगे ताकि ब्रीडिंग प्रोसेस में ये हिले नहीं और हमारा ब्रीडिंग आसान हो जाए। एक ग्रीन बीड, एक गोल्डन सीड बीड और एक रेड बीड इंसर्ट करेंगे एक साइड पर, एक साइड पर सिर्फ एक रेड बीड इंसर्ट करके गोल्डन बीड से क्रिस क्रॉस कर देंगे। फिर से एक रेड बीड एक तरफ इंसर्ट करेंगे और एक रेड, गोल्डन और ग्रीन बीड इंसर्ट करके गोल्डन बीड से क्रिस क्रॉस कर लेंगे। तो ये ऐसा फ्लावर लीफ जैसा पैटर्न रेडी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गार्डन की याद दिला देगा, जहाँ हमें खूब सारे रंग बिरंगे फ्लावर्स मिलते हैं। मेरी एक फ्रेंड है जो कि नेचर लवर है, उसे नेचर से और ढेर सारे रंग बिरंगे फ्लावर्स से बहुत प्यार है, तो ये ब्रेसलेट खासतौर पर उसके लिए है। कई फ्रेंड्स होंगे जो नेचर लवर होंगे तो उनके लिए ये ब्रेसलेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। लास्ट में 8 बीड इंसर्ट करके हमें इस तरह से लूप बना लेना है और इसे टाइटली सिक्योर कर देना है। और रेडी हो गया हमारा गार्डन थीम का बहुत ही सुंदर सा ब्रेसलेट। आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आप भी फ्रेंडशिप बैंड्स भूल जाएंगे मार्केट वाले और ये हैंडमेड फ्रेंडशिप बीडेड ब्रेसलेट्स बनाएंगे अपने फ्रेंड्स के लिए। रुको रुको, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि अभी बहुत सारे क्राफ्ट्स बाकी हैं। उससे पहले जल्दी से कमेंट्स में जाके अपना और अपने फ्रेंड का नाम तो बता दो। तो फिर से उठा लो नायलॉन थ्रेड और लॉबस्टर हुक और इस तरह से अटैच करके बीडिंग स्टार्ट कर दो। सीड बीड इंसर्ट करके क्रिस क्रॉस करनी है और उसके बाद एक एक सीड बीड दोनों साइड पर इंसर्ट करनी है और एक सीड बीड से क्रिस क्रॉस करना है। फिर एक तरफ ब्लू बीड और पिंक बीड डालनी, गोल्डन बीड से क्रिस क्रॉस करना है। उसके बाद फिर एक एक गोल्डन बीड दोनों साइड पर इंसर्ट करके फिर एक गोल्डन बीड से क्रिस क्रॉस करना है। और सेकेंड टाइम में हमें ये स्विच कर देना है, एक तरफ पिंक बीड और एक तरफ ब्लू बीड डालनी है। ऐसे ही हम हर सेकेंड टाइम पे के कलर को स्विच करते जाएंगे और बीडिंग पैटर्न करते जाएंगे जब तक कि हमें अपने ब्रेसलेट की डिजायर्ड लेंथ नहीं मिल जाए।
जाती और लास्ट में अटैच करेंगे जंप रिंग और रेडी हो गया हमारा बहुत ही प्रिटी सा डेंटी कोरियन ब्रेसलेट। मेरी एक फ्रेंड है जिसे बिल्कुल भी हैवी ज्वेलरीज पहनना पसंद नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ डेंटी ज्वेलरीज ही पहनना पसंद है जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट हो। तो ये ब्रेसलेट खास तौर पर मैंने उसके लिए बनाया है जिसे मैं गिफ्ट करूँगी। आप बताओ आपके पास कोई ऐसी फ्रेंड है जिसे डेंटी ज्वेलरीज का शौक हो, जो हैवी ज्वेलरीज बिल्कुल ना पहनती हो, तो उसके लिए आप भी बनाओ ये डेंटी सा कोरियन ब्रेसलेट, क्योंकि हैंडमेड गिफ्ट की तो बात ही अलग होती है। हैंडमेड इज मेड विद लव। अब चलते हैं अपने लास्ट DIY की तरफ। यहाँ पर हमने 4-4 सीड बीड्स इंसर्ट की है ब्लैक कलर की, फिर एक 6 mm की बीड इंसर्ट की है, और फिर 3-3 सीड बीड इंसर्ट करके एक 8 mm की बीड इंसर्ट करेंगे, और फिर से 3-3 सीड बीड इंसर्ट करेंगे और एक 6 mm की बीड इंसर्ट करेंगे, फिर दोनों साइड्स पर 6-6 mm की बीड इंसर्ट करके फिर से एक छोटी बीट से क्रिस क्रॉस कर देंगे, और सेम प्रोसेस हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि हमें अपने ब्रेसलेट की डिजायर्ड लेंथ नहीं मिल जाती। ये ब्रेसलेट मैंने ऑल ब्लैक थीम में रखा है क्योंकि मेरी फ्रेंड है ब्लैक लवर। आपके पास भी ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे जिनकी बहुत सारी अलग अलग पसंद होगी, तो उन सब के लिए ऐसे अलग अलग और डिफरेंट बीडिंग प्रोसेस से डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन में खूब सारे फ्रेंडशिप ब्रेसलेट ट्राई कीजिए और उन्हें गिफ्ट कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे। बाय बाय।